Yo, what's up guys? Jordan Gamer here. मेरा नाम है माइकल. वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5. अब आप लोगों ने पिछले एपिसोड में तो देख ही लिया होगा, माइकल ने बाय किया था दोस्तों 6 चिंपैंजी, वो भी दोस्तों सिक्योरिटी बाय की थी उनकी, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा. माइकल ने यहाँ पर जो है सुबह सुबह जो है नहा लिया अच्छी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से नहीं, एक डुबकी तो मारी ली अच्छी तरीके से. अभी दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी फैमिली बिल्कुल चिल कर रही है घर में, कुछ भी अच्छा मतलब सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है. मतलब तीनों बिल्कुल अभी सेटल है अच्छी तरीके से, कुछ भी खराब वगैरह नहीं चल रहा है. और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो चिंपैंजी की सारी सिक्योरिटी थी दोस्तों, वो सारी की सारी जो सिक्योरिटी लगी हुई है फ्रैंकलिन हाउस पर अभी, ठीक है. मतलब फ्रैंकलिन के पास मैं उसको देख के आ गया था, मुझे पता था यहाँ पर दोस्तों जो है मिलिट्री कर्नल को कोई ना कोई ढूंढने आया होगा. तो दोस्तों हम लोगों ने ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर में दोस्तों जाके मिलिट्री कर्नल को पहले से ही रख दिया है. और ऊपर से बात ये दोस्तों कि लेस्टर अभी तक उस ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर से ही मतलब वो केमिकल नहीं बना पाया जो दोस्तों जिससे वो जाला जो है टूट सके. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अपना सीक्रेट बेस, ठीक है. तो आप लोगों ने अभी तक मेरा सीक्रेट बेस नहीं देखा तो जाके देख लो पिछले वाले एपिसोड में, जिसमें मैंने चिंपैंजी खरीदे हैं उसमें दोस्तों मैंने चिंपैंजी भी लिया था और जितनी की जितनी सारी सारी कार है दोस्तों वो मैंने दे रखी थी फ्रैंकलिन हाउस पर भी, ठीक है. मतलब अपनी बुकाटी जो मैंने बिल्कुल मॉडिफाइड कराई थी वो भी दोस्तों दे रखी है उसको, इसलिए मेरे को कार चुराने के लिए अभी दोस्तों अपने पड़ोसियों के घर में जाना पड़ेगा. तो फाइनली मैं अपने पड़ोसियों के घर पर आ चुका हूँ, जहाँ पर खड़ी है दोस्तों एक क्रोम कलर की जेट्रॉन हो, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. मेरे को नहीं पता ये इतने ज़्यादा अमीर थे, तो दोस्तों हम लोग को ये वाली कार जो है चुरा लेनी है अभी अपने, मतलब अपने जितना भी आगे काम आने वाला है वो हमको चुरा लेना अच्छे तरीके से. और फिलहाल के लिए जो मेरे कपड़े थे वो गीले हो चुके हैं, क्योंकि गाइज हम लोग स्विमिंग पूल पर गिर गए थे और मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग नहा चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, माइकल नहाया ही नहीं है. गाइज अभी जल्दी से जाके मेरे को पॉन्स पॉइंट में कपड़े भी चेंज करने हैं और उसके बाद दोस्तों मेरे को लेस्टर से जाके इंपॉर्टेंट मीटिंग उसने एक बैठाई है, जल्दी से जाके मेरे को उससे मिलना भी पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लेस्टर किस लिए हम लोग को जो बुला रहा है. दोस्तों जो हमने सिक्योरिटी बाय की थी चिंपैंजी की, वो इतने ज़्यादा ट्रेंड है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब उनका जो एटीट्यूड और स्वैग लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और मतलब सब चीज़ कर सकते हैं वो गाइज. और उन्होंने एक एक गन भी कारबीन राइफल अपने होल्ड कर रखी है, जो कि दोस्तों दिखते ही बंदे को जो है शूट कर देती है. तो फाइनली हम यहाँ पर एक कोट पहन लेते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सस्ते तो नहीं है यहाँ पर, मतलब चार $1,000 नीचे जो है सारे $1,000 के हैं. और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने बाय कर लिया ये ग्रे और वाइट कलर का मिक्सचर, जो कि दोस्तों हम लोगों ने बाय किया $1,900 का. अब पैसे की तो दोस्तों माइकल के पास बिल्कुल भी कमी नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाला डॉग कौन सा है, ब्रीड कौन सी है, अगर आप लोगों को पता दोस्तों कमेंट करके मुझे बता देना. बाकी अगर क्या हम इसे भी बाय करें कि नहीं, जरूर से कमेंट करके बता देना, काफी ज्यादा क्यूट है. तो फाइनली जल्दी से अपनी बैठ जाते हैं, फालतू बातें नहीं, जल्दी से चलते हैं लेस्टर के घर पर. और लेस्टर से जाने के बाद दोस्तों काफी ज्यादा बातें भी करनी है, ठीक है, कि लेस्टर मतलब क्या हम लोगों को बताना चाह रहा है. और उसने दोस्तों पूरा का पूरा एक मैप तैयार कर रखा है या फिर न्यूज़ पढ़ी है, कुछ ना कुछ तो न्यूज़ ऐसी पढ़ी है उसने दोस्तों, जो वो मेरे को बताना चाह रहा है, ठीक है. तो फाइनली अभी जेट्रॉनों को मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भगाते भगाते दोस्तों लेस्टर के बिल्कुल वे पर लेके जा रहा हूँ. और ये क्या गाइस, आप सामने आपकी तरफ आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ और यहाँ पर आप दैट्स राइट बॉब, वन मोर डे एंड आई एम रिटायर्ड मैन. चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग देख पॉन एंड पोटैटो चिप्स मॉर्निंग नून एट नाइट. तो यहाँ पर ये बंद अभी ये रिटायर होने वाला था, व्हाट द हेल. तो गाइज यहाँ पर जो है मेरे को इसको बचाना है मेरे ख्याल से, और ये इसको बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि ये बंदा कल जो है रिटायर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता गाइज ये बंदा आज मर जाए. और क्योंकि माइकल ने इसको देख लिया है तो फाइनली ये बोल रहा है हेल्प समबडी, यूज़ द बुलडोजर टू मूव द पाइप्स एंड हरी प्लीज, इट्स स्टिंक ऑफ द गैस इन हेयर. तो मेरे ख्याल से लगता है उस गैस अंदर फटने वाली है, तो जल्दी से मेरे को इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है. तो जल्दी से दोस्तों ये चिल्ला रहा है, हाँ भाई आ रहा हूँ. तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जल्दी से मैं बुलडोजर लेके जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने हटा दिया, हरी प्लीज़ गेट बैक, शी इज गोना गो. तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मतलब ये जो है ब्लो करने वाला है, रन इट गोना ब्लो. तो जल्दी से मैं तो उतर गया हूँ गाइज. और ये गाइज यहाँ पर जो है जो ट्रक है वो ब्लास्ट हो चुका है, अगर बंदे को मैं नहीं बचाता तो ये रिटायर मैन से पहले ही मर जाता. तो यहाँ पर लिखा थैंक यू सो मच, आई थॉट इट वॉज डन फॉर देयर. मतलब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक काम हम लोगों ने अच्छा किया. लेकिन गाइज लेस्टर अभी मेरे को खतरनाक डांटने वाला है, क्योंकि मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बंदे को भी बचाने लग गया. अगर मैं इसको नहीं बचाता गाइज तो इसको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन आ सकती थी, ये मर भी सकता क्या, मतलब ट्रक फूटा अंदर बंदा बंद है तो मर ही जाएगा, ठीक है. तो जल्दी से मैं अभी आप लोगों को मिलता हूँ लेस्टर के पास और देखते हैं वो मुझे क्या बताना चाहता है. तो ये है गाइज लेस्टर का रोड,
और यहाँ से भी दोस्तों अभी थोड़ा सा दूर बचा हुआ है। अब दोस्तों उस बंदे को अगर मैं थोड़ा भी नहीं बचाता, अगर थोड़ा सा भी हम एक सेकंड के लिए लेट हो जाते तो आज वो बंदा दोस्तों जो है कल रिटायर नहीं हो पाता, वो दुनिया से ही रिटायर हो जाता गाइस। और ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता माइकल को। तो माइकल ने दोस्तों ये काम जो है हेल्प कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया है उसने, ठीक है। तो ये रहा गाइस, यहाँ पर जो है लेस्टर का घर आ चुका है और उतरते ही दोस्तों मैं यहाँ पर अंदर की तरफ मैं जा चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख बिहेवियर ऑफ डॉफ लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों ये रहा लेस्टर। लेस्टर के हाथ में कोई पेपर है, लगता है कोई न्यूज़ लेटर है। तो यहाँ पर फाइनली मैंने इससे बात कर ली है गाइस। लेस्टर ने कुछ बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताई है, तो वो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक कुत्ते की भोंगने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ से आ रही है। अब लेस्टर ने लगता है कोई सीक्रेट डॉग रख लिया है। और बाकी लेस्टर ने देखो क्या क्या लगा रहा है, वॉर्निंग कैमरास आर ऑपरेटेड इन दिस एरिया, नो ट्रेसपासिंग वायलेटर विल बी प्रोस्टिक्यूटेड। बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे जो है लगाया हुआ है स्टिकर वगैरह इसने, ताकि दोस्तों लेस्टर जो है बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आ सकते हो कोई भी, हैरा गहरा बंदा कोई नहीं आता। तो जल्दी से मैं फ्रैंकलिन को लगा के कॉल करके जो मेरे को लेस्टर ने बताया वो जाके मैं तुरंत तुरंत पूरी पूरी बात बता के आप लोगों को बता देता हूँ। तो फाइनली मैंने फ्रैंकलिन को पूरा का पूरा प्लान बता दिया जो मेरे को लेस्टर ने एक्सप्लेन किया था। अब मैं जल्दी से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेस्टर ने मुझे क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो लेस्टर ने मुझे बताया गवर्नमेंट फैसिलिटी पे एक जो है बहुत ही सही गाड़ी निकली है, ठीक है। अब उस गाड़ी में जो सिक्योरिटी लगी हुई है उस पर दोस्तों जो है कुछ भी मतलब इतनी खास सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है। उस कार को इतना नॉर्मल माना जा रहा है, वो कार तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है, लेकिन गाइस गवर्नमेंट को इस बात का घमंड है कि वो गवर्नमेंट फैसिलिटी रिकॉर्ड पर रखी हुई है, तो चुराने का तो सवाल ही पैदा होता। तो फाइनली इसको करते हुए उन्होंने जो है एक बात की यही गलती कर दी है गाइस, ठीक है। उन्हें ये नहीं लगता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी पे दोस्तों जो है माइकल आराम से घुस सकता है और किसी को भी भनक तक नहीं लगेगी। तो गाइस मैं इसके लिए अपना जो है जर्मन शेफर्ड डॉग लेके आने वाला हूं और फ्रैंकलिन को फोन करके मैंने यही बताया जल्दी से आके तू मेरे को मिल वहां पर। और जल्दी से मैंने उसे ये भी बोल दिया है कि तू अपना जो है जर्मन शेफर्ड डॉग जो मैंने उसे बाय मतलब दे रखे हैं अभी अच्छी तरीके से, तो उसको भी तू एक बंदा जो है अपना ले आना जर्मन शेफर्ड, ताकि दोस्तों हम लोग को स्टीलिंग करने में जो है बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। अब वो दोस्तों कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है और वो कार दोस्तों जो है माफिया ने बनवाई है, ठीक है। तो माफिया दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो माफिया कब से गवर्नमेंट के लिए काम करने लगे मुझे तो यही नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो कार डिज़ाइन की है वो माफिया का पूरा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो आते आते यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों मेरे को फ्रैंकलिन से बात कर लेनी पड़ेगी, मतलब फ्रैंकलिन अपना जो है डॉग लेके भी आया हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है अपना जर्मन शेफर्ड बैग आ चुके थे और यहाँ पर मैंने बुकाटी बोली थी इसको दे रखी थी और ये रहा फ्रैंकलिन और साथ में अपना लेके आया जर्मन शेफर्ड डॉग। तो जल्दी से भाई देखते हो चलते हैं यहाँ पर जल्दी से। फ्रैंकलिन तू मेरे साथ बैठ जा अभी जैट्रोनो में, कार को यहीं खड़ी रहने दे ताकि जब हम एस्केप करें, एस्केप प्लान काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। तो अगर जब हम एस्केप करेंगे तो फ्रैंकलिन जो है अपनी बुकाटी लेके चला जाएगा, बाकी डॉग की कोई टेंशन नहीं है, डॉग का भी हमारे साथ पीछे पीछे आ जाएगा और पूरा का पूरा हाथ दोस्तों डॉग का ही है, ताकि दोस्तों हम लोग जो है पूरा का पूरा बच पाएँ। तो फाइनली मैं अभी यहाँ पर आके इस वाले मतलब दीवार के पीछे छुप जाता हूँ। यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड डेटाबेस सेंटर, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं और हमारा डॉग भी पीछे पीछे आ चुका है गाइस। अब जल्दी से अंदर चल के हम अपनी सिक्योरिटी को जो है ख़त्म करते हैं। तो फाइनली जिन इतनी बड़ी इनकी भूल हुई है गाइस, यहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटी में ये लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर जो है कार स्टील कोई कर ही नहीं पाएगा, तब तक दोस्तों पुलिस को भी पूरा पता लग पाएगा। लेकिन माइकल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, तेरी ऐसी निकल यहाँ से, इसको भी हम लोगों ने गाइस डाउन कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अपना जर्मन शेफर्ड को लेके हम लोगों को बिल्कुल अंदर तक जाना पड़ेगा, ताकि जितने भी अंदर पुलिस वाले हैं उनको दोस्तों डॉग काट सके, ठीक है। तो जर्मन शेफर्ड का इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ है, तो ये हम आज जो है कार चुराई लेंगे। तो फाइनली दूसरा बंदा भी यहाँ पर है, तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से, सब दोस्तों ऐसे ही फालतू खड़े हैं। तो भाई इसके हमने पूरे गंजे में दोस्तों जो है आधी क्या पूरी कुलाड़ी दोस्तों जो है अंदर मार दी है और ये बंदे की बचने की उम्मीद बिल्कुल अब जीरो हो चुकी है, मर भी गया भाई मेरे ख्याल से। तीसरे सिक्योरिटी उस गेट पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो उस गेट पर भी हम लोग को सिक्योरिटी मारनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर छुपते छुपते हम लोग जा रहे हैं। जल्दी से आ जाओ फ्रैंकलिन और जर्मन शेफर्ड। तो फ्रैंकलिन दोस्तों अभी जो है जर्मन शेफर्ड को अपने पीछे पीछे लेके आ रहा है, तो एक बंदा वहाँ पर और खड़ा है। देखो गाइस अब सिक्योरिटी ऐसी है कि यहाँ पर ये लोग सोच रहे हैं बिल्कुल, बस यही तो इनकी सबसे बड़ी गलती है गाइस। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो भाई मजे चल रहे हैं यहाँ पर, किस लिए पैसे ले रहे हो भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये लोग
तो सीधा माइकल ने दोस्तों इस सिक्योरिटी को भी डाउन कर दिया है, और बाकी दोस्तों फ्रैंकलिन और साथ में दोस्तों जर्मन शेफर्ड भी यहां तक फाइनली पहुंच चुके हैं। अब हमें इस वाले गेट से एंट्री लेनी है, जैसा कि लेस्टर ने बताया था पूरे अपने प्लान में, तो ये वाले गेट से हम लोगों को एंट्री ले देनी है, और बाकी यहां से दोस्तों जो है अपनी चाल को बिल्कुल ही बिल्कुल धीरे कर देना है, और उसके बाद दोस्तों जो है फ्रैंकलिन ताकि जर्मन शेफर्ड भी अंदर आ सकें, और उसके बाद हम अंदर जो है बढ़िया खतरनाक सा अटैक करेंगे, और उसके बाद जो है आज की जो है कार स्टील करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पीछे से आप लोग देख पा रहे हो ट्रेन भी जा रही है, जिसके कारण आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पर दोस्तों बात का किसी का भी किसी को पता नहीं लगेगा कि कौन यहाँ पर अंदर आया भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बाकी कार यहाँ पर खड़ी है, और कार के साथ साथ दोस्तों फोटो का कलेक्शन भी चल रहा है। तो गाइस जिस माफिया ने ये कार बनवाई है उसने अपने बंदे भी भेजे हैं ताकि दोस्तों आप लोग को पता लग पाए। तो एक बात और है, कल से आप लोग को एपिसोड में ये भी देखने को मिल सकता है, क्या पता हमारे साथ दोस्तों माफिया जो है स्कैम कर सकता है बाद में, क्योंकि हमने उसकी कार चुराई है, और माफिया दोस्तों लॉस सैंटोस के बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा जो है कुत्ता यहाँ पे भौंकने लग गया है उसके ऊपर, और यहाँ पर जैसे ही मेरे को मारने आ रहा था, और यहाँ पर दोस्तों जर्मन शेफर्ड ने पहला अटैक करके एक बंदा डाउन कर दिया है, बाकी ये घूम घूम के आ रहे हैं, तुम्हारी ऐसे तक निकला ऐसे। तो सबसे पहले दोस्तों जो है मेरे पास एक तरह से अपना बेसबॉल बैट है, तो सबसे पहले ओ भयंकर, दूसरे बार भी इसने जो है जर्मन शेफर्ड ने दोस्तों मेरे को बचा लिया, तो तीसरे बार में तो मैंने ही एक डंडा जो है इसके जड़ दिया। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो हम लोग इनको लगातार मारते जा रहे हैं। अब दोस्तों मेरे को डर इसी बात का है कि माफिया को अगर ये बात पता लगी वो कार चोरी हो चुकी है, जो कि स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए बनी हुई थी। तो गाइज गाड़ी का नाम आप लोग को पता होगा तो जरूर से कमेंट करके मुझे बता दो, नहीं तो मैं आप लोगों को लास्ट में बता ही दूंगा। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो लगातार मैं इनके मारता जा रहा हूँ, और कैमरे वाले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं दिख नहीं रहा गाइज यहाँ पर। अभी लगता है इनको डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि ये माफिया के ही गैंग मेंबर्स हैं, और माफिया ने खुद बोल रखा है इन लोगों को कि जाके दोस्तों जो है तुम लोग अपनी बढ़िया कार को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करो ताकि हमें कुछ और ऑर्डर्स मिल सकें। अब दोस्तों मुझे ये बात नहीं पता कि माफिया कार का बिजनेस कर रहा है या फिर दोस्तों खुद एक कार डिजाइनर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखने को पता लगेगा कि माफिया कौन है आखिरकार और कैसे आया। और यहां पर ये बंदा जो है बिल्कुल खड़ा हो चुका है, जल्दी से यही समय दोस्तों माइकल लेके निकल यहां से गाड़ी, और फाइनली हम लोग ओ भयंकर इतनी ज्यादा हिम्मत, मतलब लॉस सैंटोस कितने बड़े गैंगस्टर को इसने उतार दिया वो भी निकल के। माइकल दोस्तों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और यही दोस्तों एंगर कभी नहीं दिखाना चाहिए, और ये सबसे बड़ी गलती थी माइकल की। मतलब अच्छा खासा हम लोग चोरी कर सकते थे, और यहाँ पर 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट फैसिलिटी में अगर दोस्तों पुलिस पीछे पड़ती है तो डायरेक्ट 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ती है। यार ये बात काफ़ी ज़्यादा गलत लगी। अब मेरे को एक बात और समझ में आ रही है, यहाँ पर पहाड़ साइड है, अगर हम दोस्तों कहीं भी किसी खोपचे में छुप जाते हैं और शाम तक वहाँ से नहीं निकलते हैं तो मेरे ख्याल से पुलिस वहां से हट जाएगी। और दोस्तों सबसे पहले मेरे को जो है फ्रैंकलिन मेरे साथ बैठ गया था, फ्रैंकलिन को जल्दी से उतारता हूं, बोलता हूं बुकाटी बोली दे लेके जर्मन शेफर्ड को जल्दी से मिल मेरे को घर पर। तो फाइनली यहां पर जो है फ्रैंकलिन और बुकाटी बोली दे दोनों जा चुके हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है जर्मन शेफर्ड भी फ्रैंकलिन लेके जाएगा, वो फ्रैंकलिन का काम है, और मेरे को डेफिनेटली पता है फ्रैंकलिन ये पूरा काम कर लेगा। अब दोस्तों देखो मैं पहाड़ के बीच से बिल्कुल आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ पर मैं पूरे दिन पूरी रात यहाँ पर छुपा रह सकूँ, और उन्हें लगे कि बंदा यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ से जो है भाग चुका है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर ये वाला जो है खोपचा चुन के यहीं पर पूरी रात बैठ रहता हूँ। तो ओके गाइस फाइनली यहाँ पर पुलिस हट चुकी है, लेकिन गाइस जस्ट पुलिस अभी हटी है और आप लोग को देखने को सुनने को मिल रहा होगा पीछे बाय सायरन की आवाज़ अभी भी आ रही है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल साफ सफाई करके दोस्तों कार को लेके ऊपर आ चुका हूँ, और जल्दी से जा रहा हूँ दोस्तों पहाड़ साइड में, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो फाइनली हम लोगों ने ये वाली कार को जो है स्टील कर लिया है। अब डर है तो सिर्फ और सिर्फ माफिया का, कल उसको अगर न्यूज़पेपर में पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर की गवर्नमेंट फैसिलिटी से दोस्तों जो है कार को स्टील कर लिया गया, और हमारे कैमरे जितने भी थे सारे के सारे वो जो है डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे, वो भी लेस्टर की हेल्प से जितने भी थे, मतलब एक तरह से इतना बड़ा वो हैकर है कि सारे के सारे कैमरे उसने जो है डिस्कनेक्ट कुछ देर के लिए कर दिए थे। उसी बीच में दोस्तों हम लोगों ने जर्मन शेफर्ड के मिल के साथ ये वाली जो है कार चुनी, और अब दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं बिल्कुल सुबह वाली मॉर्निंग में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है वहां से निकलते मतलब पूरा आते आते हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सुबह हो चुकी है, ठीक है, मतलब हमने कार को तो कल चुराया था लेकिन आते आते यहाँ पे सुबह हो चुकी है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर टाइम दिखाऊं तो यहाँ पर हो रहा है 10:38 हो रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 10:38 हो चुका है, और उसके बाद फ्रैंकलिन और जर्मन शेफर्ड मेरे को लगता है वहीं पर मिलने वाले हैं। तो हमारे पास जर्मन शेफर्ड थे दो, और मैंने उसे अपने बोला था बुकाटी बोलिडी दे मेरे को वहाँ पर ला के दे देना। तो फाइनली इस कार का नाम आप लोगों को अगर नहीं पता चला है तो मैं बता देता हूँ, इस कार का नाम है अपोलो इंटेंस इमोजिनी, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार है,
और मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये रहा गाइज, हमारी बुकाटी बोलिदे भी खड़ी हो चुकी है और साथ में दोस्तों फ्रैंकलिन भी आ चुका है। और ये मिशन इम्पॉसिबल था दोस्तों विदाउट जर्मन शेफर्ड, क्योंकि इसने भाई मेरे को 2 बार बचाया। तो आप इसको प्लीज़ देख के, इसकी क्यूटनेस को देख के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर लो। ऐसे सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने इसको, मैं जल्दी से कोने में करके आप लोगों को मिलता हूँ। तो मैंने कार को थोड़ा सा उधर खड़ा कर दिया ताकि आप लोग अच्छी तरह से क्लियरिटी देख पाओ। तो फाइनली 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 हम लोगों ने ये वाली कार को जो है स्टील कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्या करता है माफिया, देखने के लिए बने रहना। और जर्मन शेफर्ड के लिए प्लीज़ यार आप सबका सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन गुड बाय।